हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी। तो देखिए, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो सेकंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं, जो भी फर्स्ट सेमेस्टर से सेकंड सेमेस्टर में भी आए हैं, जिनका भी एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है मार्च के अंदर, तो उनके काफ़ी ज़्यादा मैसेज हमें मिले हमारे यूट्यूब कमेंट बॉक्स में और टेलीग्राम पर तो मिल ही रहे हैं, ठीक है। और हमारे ग्रुप्स वगैरह पर भी काफ़ी मैसेज आ रहे थे कि सर हमें ये बता दीजिए कि जो सेकेंड सेमेस्टर की जो क्लासेस है ऑफलाइन ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी हैं, क्लासेस कब से शुरू होगी, ठीक है। तो एक्चुअली बिल्कुल सही बात है आपकी। आप सभी को जैसा कि काफ़ी चीज़ें मुझे आज शेयर करनी है, इसलिए फेस रिवील करके आज वीडियो में आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट प्रोवाइड कराते रहते हैं, ठीक है। तो देखिए, कुछ चीज़ें आप जान लीजिए। क्या DU की सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेस कंडक्ट हो रही है? तो मैं कहूँगा यस। रेगुलर और NCVAP की जो सेकेंड सेमेस्टर की जो क्लासेस है वो कंडक्ट हो रही है। 6 अप्रैल से ही उनकी क्लासेस शुरू हो गई थी काफ़ी ज़्यादा कॉलेजेस की। अब तो मुझे लग रहा है कि NCVAP के जो बच्चे कुछ कॉलेजेस थे उनकी भी क्लासेस कंटिन्यू हो चुकी हैं। बट अगर मैं सोल की बात करूँ, आज की वीडियो सोल के स्टूडेंट के लिए है, अगर मैं सोल की बात करूँ तो सोल की अभी तक कोई भी क्लासेस, कोई भी ऑफलाइन क्लासेस अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। बिल्कुल सच बात है। ऐसा क्यों हो रहा है वो मैं आपको बता दूँ। एक्चुअली सोल का जो मैनेजमेंट है काफ़ी स्लो है। इसकी वजह, सबसे बड़ी वजह ये है कि सोल के अंदर जो स्टूडेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है। रेगुलर के अंदर जहाँ 60 से 70 हज़ार बच्चे हैं, NCVAP के अंदर 8 से 9 हज़ार बच्चे हैं, वहीं सोल के अंदर 1,30,000 बच्चे हैं न्यू एडमिशन 2021 सेशन के, जो अभी फर्स्ट सेमेस्टर का भी आपने एग्ज़ाम दिया था, ठीक है। तो इसी वजह से अभी वो ये डिसाइड कर रहे हैं कि सेकेंड सेमेस्टर की जो क्लासेस है, हम मतलब ऐसा कैसे बैच हम बनाएं जिससे सारी क्लासेस कंटिन्यू स्टूडेंट को मिल जाए। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम ये रहती है कि कुछ कुछ क्लासेस ऐसी रहती है जो स्टूडेंट ज्वाइन नहीं कर पाते। आप देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर में जब आपने एडमिशन लिया था फर्स्ट ईयर में दिसंबर में, तो क्लासेस ऑनलाइन हुई थी क्योंकि कोविड था। क्लासेस ऑनलाइन में क्या हुआ, आपको क्या क्या प्रॉब्लम हुई आप सभी को पता होगा, मैं नहीं डिस्कस करूँगा। पासवर्ड गलत, ज्वाइन हो रहे हो परमिशन नहीं दे रही मीटिंग की, क्लासेस में कुछ समझाया नहीं जा रहा, और अभी तक रिकॉर्डेड लेक्चर भी फर्स्ट सेमेस्टर के अपलोड नहीं किए गए। तो ऑनलाइन सिस्टम बिल्कुल बेकार है एक तरीके से, मैं तो यही कहूँगा। सोल का तो बिल्कुल ही ख़राब है। बट अगर मैं ऑफलाइन की बात करूँ तो अभी 4 और 6 सेमेस्टर की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें 6 सेमेस्टर वालों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही है और 4 सेमेस्टर वालों की ऑफलाइन चल रही है, कुछ सब मतलब कुछ कोर्सेज की सोल के अंदर, ठीक है। बट सेकेंड सेमेस्टर के लिए कोई क्लासेस का शेड्यूल, कोई टाइम टेबल अभी तक जारी नहीं किया गया है सोल के रिगार्डिंग, सोल के स्टूडेंट के लिए। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आप पूछ रहे होगे, आपके मन में आ रहा होगा कि सर जी हमें ये बता दीजिए कि क्लासेस होगी कब से। तो भैया मैं आपको बता दूं, रियलिटी बात ये है, जितने भी मेरे दोस्त हैं, मेरे फ्रेंड जो भी मेरे साथ ज्वाइन हैं, हमारे साथ फर्स्ट सेमेस्टर के साथ जो हमारे साथ ज्वाइन थे, तो आपकी जो क्लासेस है वो या तो मई के फर्स्ट वीक में, क्योंकि अप्रैल के बाद तो मई आएगा, अभी तो इस महीने तो मुझे लगता ही नहीं है कुछ होगा, क्योंकि अभी तो 4 और 6 सेमेस्टर का मैनेजमेंट उसी के ऊपर उनके एग्ज़ाम सेंटर्स वगैरह के लिए काम कर रहा है। तो सेकेंड सेमेस्टर की जो क्लासेस है वो मई में ही, जहाँ तक आपके फर्स्ट से सेकेंड वीक के बीच में शेड्यूल या कोई टाइम टेबल हमें देखने को मिल सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल कि सर क्लासेस ऑनलाइन होंगी या ऑफलाइन होंगी। देखिए, क्लासेस जो होंगी आपकी, वैसे तो होनी तो ऑफलाइन ही चाहिए, क्योंकि भाई देखो जो फैसिलिटी रेगुलर वालों को मिल रही है, NCVAP वालों को ऑफलाइन मिल रही है, तो आपको क्यों नहीं मिल सकती। बट सबसे बड़ी वजह ये है कि स्टूडेंट बहुत है। हो सकता है कि ऐसा कर दे कि BA प्रोग्राम के जो स्टूडेंट है उनको ऑफलाइन क्लासेस मिले, और जो आधे कोर्सेस ऐसे BCom वालों को उन्हें ऑनलाइन दिए थे, मतलब बहुत हाइब्रिड मोड हो जाएगा क्लासेस में भी, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, समझ रहे हो ना, जो जिसमें इसको पसंद है। बट ये भी अभी तक कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है। हमने जब इसके रिगार्डिंग कॉन्टेक्ट किया तो उनसे इनका यही कहना है कि फिलहाल दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से उन्हें कोई भी ऑर्डर इस रिगार्डिंग नहीं दिया गया सोल को कि अभी आप अपनी सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेस शुरू करो। जबकि एक बार तो आप खुद सोचो, दिल्ली विश्वविद्यालय का ही पार्ट है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग यानी सोल, उसके बावजूद भी आपको क्लासेस अभी तक नहीं मिल रही। और कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, क्योंकि उनके सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट के मेंशन नहीं हुए, जिनको बुक्स नहीं मिली, तो कहीं ना कहीं अभी तो क्लासेस अगर शुरू भी हो जाएंगी तो तब भी आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, बिल्कुल नहीं है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, आप एक काम करो, आप घर में जब तक स्टडी करो PDF वगैरह से। आप कहोगे कि सर हमें पढ़ना समझ में नहीं आता सर PDF वगैरह से, बिल्कुल सच बात है। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं
कि आने वाले टाइम पे कि कुछ आपको क्लासेस ऐसी दे जिसके अंदर इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह सेकंड सेमेस्टर से फर्स्ट सेमेस्टर में हमने किया था, आप सभी को याद होगा। ठीक है, तो कोशिश हमारी पूरी रहेगी सेकंड सेमेस्टर के लिए। देखिए, पहली चीज़ आप हमारे साथ ज्वाइन हो, स्टार्टिंग से ज्वाइन हो, आप सभी को पता होगा कि क्या क्या फैसिलिटी आपको हमने दी है। ठीक है, तो और जिन तक नहीं पहुंची हमारी फैसिलिटी, तो मैं उनसे कहूंगा कि हो सकता है कि हमारे में ही कोई थोड़ी बहुत कमी रह गई हो, जो हम आपको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करवा पाए जो आप तक अभी तक नहीं पहुंची है। बाकी हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हर एक स्टूडेंट तक, ठीक है, खासकर सोल के स्टूडेंट, सोल के स्टूडेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, जहाँ रेगुलर वालों के लिए प्रॉपर गाइडेंस है, टीचर्स है, सब कुछ है, बट वहाँ सोल के लिए कुछ नहीं है। सोल की बिल्डिंग में जाओ तो वहाँ भगा दिया जाता है, समझ लो ना। तो टेंशन मत लीजिए, अभी कोई बुक्स वगैरह नहीं मिल रही है, जैसी जो भी अपडेट होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा, स्टडी मटेरियल वगैरह जो भी रहेगा। बाकी क्लासेस के लिए अभी फिलहाल आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक दिल्ली विश्वविद्यालय ऑर्डर नहीं देता, क्योंकि अभी देखिए कोविड के केसेस बढ़ रहे दिल्ली के अंदर, आपने देखा होगा टेलीग्राम पे कि अपडेट आपको मिल रहा होगा कोविड के लिए। देखिए, हम तो हर चीज़ शेयर करते हैं, कोविड के केसेस इंक्रीज हो रहे हैं, और ऐसा ना हो कि इतना इंक्रीज हो जाए कि दोबारा जो ऑफलाइन का, जो हमें लग रहा था कि ऑफलाइन होने चाहिए, वो सारा ऑनलाइन के माध्यम से ही दोबारा स्टार्ट कर दे। तो अगर ऑफलाइन स्टार्ट भी हो जाती तो फिर दोबारा ऑफलाइन, वो एक बार ऑफलाइन स्टार्ट भी हो जाती फिर दोबारा ही आपको ऑनलाइन मोड पर जाना होगा। तो कुल मिला के अभी कोविड का कुछ कह नहीं सकते कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो बाकी तो मैं आपसे यही कहूँगा, घर में हो अभी, घर में स्टडी करो, और एग्ज़ाम आपके अगस्त में होंगे, मई जून में आपके एग्ज़ाम नहीं है, मई जून में सब उन्हीं के एग्ज़ाम है जिन्होंने 2019 और 20 सेशन में एडमिशन लिया था। आपका एडमिशन 2021 का है, समझ में आएगी बात। तो आपका कोई एग्ज़ाम नहीं है, आपका अगस्त में होगा, तो आपके पास टाइम कितना है, देखिए मार्च में पेपर हुए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने आपके पास है, जो जिसका एक महीना भी आपका चल रहा है, जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट कुछ नहीं कर रहे हैं, मूवीज़ वगैरह देख रहे हैं, मुझे पता है सारा आपका, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट रह चुका हूँ ड्यू का। तो देखिए, मूवी देखना कोई गलत बात नहीं, मैं तो आपसे यही कहूँगा कि मूवी से अच्छा आप बुक्स पढ़ें, और जो आपके सब्जेक्ट है, सिलेबस है, हम कोशिश कर रहे हैं सारा सिलेबस वगैरह आपको डिस्कस कर दें, उनको ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। क्योंकि देखिए, अब एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा ऑनलाइन होगा, इसके रिगार्डिंग तो मैं आपसे यही कहूँगा कि तैयारी आप ऑफलाइन की करें, क्योंकि अगस्त काफ़ी दूर है, 3 महीने में क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं तो देखिए, अब मैं भविष्यवाणी कर दूं कि 2 महीने बाद की केसेस दिल्ली में बहुत सारे आएंगे, तो देखिए मैं तो कोई भगवान तो हूँ, ठीक है, बट मैं इतना अनुमान लगा सकता हूँ जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से कहीं ना कहीं, हाँ, आने वाले टाइम पे हो सकता है कुछ पाबंदियाँ कॉलेज पे लगाई जाए। ऐसा अभी रेगुलर वाले तो ऑफलाइन मजे मस्ती में मौज करते हुए जा रहे हैं, बट सोल वाले घर में बैठे हुए बेचारे, ठीक है, तो कुल मिला के उनको भी फिर ऑनलाइन किया ही सारा लेना पड़े। तो मैं तो आपसे ये कहूँगा कि सोल इस चीज़ में काफ़ी लापरवाह है, सोल एंड वक्त पे क्लासेस देता है सिर्फ 1 महीने की, ताकि स्टूडेंट को ये लगे कि हाँ भैया हमें तो क्लासेस मिल गई, सोल भी अपना पल्ला झाड़ लेता है कि देखो हमने तो स्टूडेंट को क्लासेस दी। और उन क्लासेस में मान लीजिए जहाँ आपको 2 महीना कंटिन्यू क्लासेस मिलनी चाहिए, वहीं आपको 10 से 15 दिन की क्लासेस ये ऑफलाइन दे देंगे, उसके बाद कह देंगे कि भैया क्लासेस आपको दे दिए, हम एग्ज़ाम लेंगे, चाहे आपको कुछ आता है ना आता। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ सेल्फ स्टडी इज़ बेस्ट, अगर आप स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से कर रहे हो, रेगुलर और NCBF जो है रेगुलर से अपनी तुलना मत करो, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए वैल्यू सबकी एक है, बट फैसिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ, फैसिलिटी उनको ज़्यादा है। देखिए साफ सीधी बात है, मान लीजिए रिजर्वेशन का, एक रेलवे का, अब रेल वगैरह में आपने सफ़र किया होगा, एक रिजर्वेशन का डब्बा होता है, एक जनरल का होता है, जनरल में कहीं ठूस ठूस के भर दिए जाते हैं, और कितनी परेशानी होती है, आपने कभी सफ़र किया हो, वही रिजर्वेशन वाला जो स्लीपर होता है वहाँ सारी सुविधा होती है, खाना आप तक पहुँचता है, और खुलापन में सब चीज़ मिलती है, और कई कई AC भी मिलता है, जो AC वाले कोचेस रहते हैं, तो ऐसे रेगुलर है, रेगुलर वालों को वो सारी सुविधा मिलेगी जिसके वो हकदार है, बट सोल वालों को उतनी सुविधा मिलेगी जो एक सरकारी बिल्डिंग में किसी एक ऐसे बंदे को मिलती है जो सरकारी रेंट दे रहा हो, समझ रहे हो। तो आपको सिर्फ अपनी डिग्री से मतलब रखो, और नंबर देखिए सबके, डिग्री सबकी बराबर है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी की आपको डिग्री मिलेगी, बट सेल्फ स्टडी करो जिससे आपके नंबर कम ना आए, ऐसा ना हो कि सोल के स्टूडेंट रेगुलर से पीछे रह जाए, समझ रहे हो ना। आपका भी पेपर वही टीचर चेक करेगा जिस जो रेगुलर वाले का चेक करेगा, रेगुलर वाले के भी पेपर एक ही टीचर चेक करते हैं, वही सोल के टीचर चेक करते, समझ रहे हो, बट डिपार्टमेंट अलग अलग है, तो इसीलिए फैसिलिटी नहीं मिल पाती। अब कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको अपना कॉलेज का नहीं पता, बिल्कुल सही बात है, आपको क्या पता आपका कॉलेज कौन सा है, SOL आपका एक कॉलेज है, बट
आपको ये नहीं पता कि क्लासेस लेने कहाँ जाना, क्योंकि अभी तक लिस्ट आई नहीं है। तो जैसे ही आने वाले टाइम पे मुझे लगता है 2 से 3 हफ्ते के अंदर ही कन्फर्म हो जाएगा, और जैसे ही अपडेट आता है क्लासेस का तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। फिलहाल देखते हैं कैसा क्या रहता है। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की किसी को ज़रूरत नहीं है, हम बैठे हुए हैं, हम आपके लिए है और अपडेट आपको देंगे, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।